अरे आइए आइए, वेलकम, आइए। हेलो, प्लीज कम, आइए। हेलो आंटी। हाय, तो तुम हो ऋषि की वाइफ? नाइस टू मीट यू। नहीं नहीं, ये ऋषि की वाइफ नहीं है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स है, उनकी बेटी है मलिष्का। ओह, आई एम सॉरी। आप बैठिए ना। हाय स्वेर, कितनी खुशी मिली थी मुझे जब जब बोला गया था कि मैं ऋषि की वाइफ हूँ। ऐसा लगा जैसे रियल इंट्रोडक्शन हुआ मेरा। गॉड, कब होगा मेरा ये ड्रीम पूरा और कब मैं बनूंगी ऋषि की पत्नी। ये है लक्ष्मी, ऋषि की पत्नी। हाय। हेलो मिसेज अजमेरा लक्ष्मी बेटी। नमस्ते। कम हियर लक्ष्मी बेटा। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? ऐसे कोई बिजनेस एसोसिएट के पैर तो नहीं छूता है? मैं उसके पैर छू रही हूँ जिसने मुझे बेटा बोलकर गले लगाया। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस हुआ जैसे मैं अपनी बेटी को गले लगा रही। मेरी भी तुम्हारे जैसी ही एक बेटी थी जो एक बॉम्ब ब्लास्ट में। शी डाइड। फिर जब सुना कि तुम पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ था वो सब याद आ गया। बस इसीलिए देखने चली आई। आप ये समझिए कि मैं आपकी बेटी हूं। बिल्कुल मिसेज अजमेरा, आप इसे अपनी बेटी समझिए या आपको आपकी बेटी की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। आप बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ। आओ ऋषि। हेलो। हाय। हाय ऋषि। हाय। हाय ऋषि। हाय आयुष। हेलो मैम आयुष। अरे ये मैम, भाभी ने खुद सब कुछ रेडी किया है, आप खा के तो देखिए, हम सबसे अच्छा तो ये लगने वाला है आपको। लीजिए ना। नहीं, सीधा खाना। खाना भी है आंटी, पर आप लोग पहले ये तो खाइए। आप खाना खाने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना, तो वो तो ये खा के आएगी। मेरी बेटी भी ऐसे ही कहा करती थी। लक्ष्मी, ये स्नैक्स एंड ऑल तो सब ठीक है, लेकिन इतनी सारी मिठाइयाँ, कितनी शुगर होगी इनके अंदर, और ये आंटी के लिए ठीक नहीं। नहीं नहीं नहीं, इसमें सब नेचुरल शुगर है, मैंने खजूर से बनाई है मिठाई। वाओ बेटा। राइट। मैंने कहा था ना, आपकी बेटी की कमी महसूस नहीं होने देगी। मलिष्का, तुम तो जानती हो ना, लक्ष्मी इन सब चीजों का ख्याल रखती है। फिर